सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई कोचिंग शिपयार्ड को लेकर। आखिरकार इस गिरावट में क्यों 5% या फिर इसके ऊपर में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जबकि मजगांव डॉक है या फिर गार्डन शिप बिल्डर्स हैं उनमें 1-1% के करीब गिरावट। तो कोचिंग शिपयार्ड इतनी बड़ी गिरावट में क्यों गया है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो वो जानेंगे इस वीडियो में। और वैसे भी स्टॉक अपने हाई से जो कि ऑलमोस्ट 3,000 रुपये के आसपास है ना, अभी 3,000 रुपये के आसपास का भाव है, वहाँ से काफ़ी अच्छी गिरावट में हमें दिखाई दे रहा है। क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है या फिर जो शेयर है वो हमें यहाँ से संभलते हुए नज़र आ सकता है। 20% के ऊपर में गिरावट हो चुकी है ना भाई इसके हाई से, तो अच्छा खासा फॉल स्टॉक में हमें देखने को मिला है। 20% के ऊपर में जो शेयर है वो क्रैश हो चुका है अपने हाई से और आज 5% के करीब टूटा। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर देखोगे भी काफ़ी टाइम से MSCI इंडेक्स को लेकर काफ़ी बड़ी चर्चाएं चल रही थी भाई, कौन सी कंपनियाँ इसके अंदर जाएंगी, यानी कौन सी कंपनियाँ ऐड हो रही है, कौन सी कंपनियाँ बाहर निकल रही है। जो बाहर निकलेगी उनके स्टॉक प्राइस हमें जो ना अभी टूटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर सेलिंग आएगी और जो इनफ्लो होगा उनके अंदर खरीदारी होगी, दोनों शेयरों में हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे आज आप लोग देखोगे RVNL है, वोडाफोन आइडिया कल के रिजल्ट्स आए थे, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, ऑयल इंडिया है, प्रेस्टीज स्टेट है, ओरेकल फाइनेंशियल्स है और जायडस लाइफ साइंस है। ये कंपनियां हैं जो हमें आज इनफ्लो के चलते एक्शन में दिखाई दी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भी जो आउटफ्लो हुआ है और कितना इनफ्लो आया है वो यहां पर आप लोग देख लेना वीडियो को पहुंच करके भी। डिक्सन टेक, वोडाफोन आइडिया, ऑयल इंडिया, RVNL, इन सभी के अंदर जितना भी आया वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हम डिस्कस करेंगे भी जो हमारी कोचिंग शिपयार्ड है इसको लेकर। तो यहाँ पर देखोगे MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसमें हमें जो है अभी 25 स्टॉक इंक्लूड होते हुए नजर आए हैं, जिसमें आइनॉक्स विंड एनर्जी है, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज है, शक्ति पंप है और ओरियन प्रो सॉल्यूशंस भी हमें देखने को मिला, गल्फ ऑयल्स लुब्रिकेंट्स भी हैं, ये कंपनियां शामिल हुई है। और इसके अलावा जो बाहर हुई है 8 स्टॉक्स, वे कौन से, इंक्लूडिंग कोचिंग शिपयार्ड, इरेडा, जेपी एसोसिएट्स, PV फिनटेक, फोनिक्स मिल्स एंड RVNL। आप लोग देखो भी इसके अंदर तो इनफ्लो ही आया है भाई, तो ये वो कंपनी है जो बाहर हुई और कोचिंग शिपयार्ड इसके अंदर शामिल है। इसी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर ये सेलिंग हमें आते हुए नजर आई है, जिसकी वजह से जो ये शेयर ऊपर से टूटा है भाई। तो कारण समझ में आ गया भाई आखिर क्यों टूटा है, क्योंकि MSCI इंडेक्स ही पहले शामिल था, अब बाहर हो गया, यानी यहाँ पर सेलिंग आई है इस वजह से। चलिए अब देखते हैं चार्ट इसका। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इसके जो भी रेजिस्टेंस वगैरह थे 2444 के, ये हमें ऊपर में जाते हुए नजर जरूर आया था स्टॉक, लेकिन सस्टेन ही किया था ना ऊपर में, उसके बाद जो शेयर है ऊपर से फिर से गिर रहा है भाई। और अभी टाइम स्टॉक में फिर से जो गिरावट आई है, इसके बाद यहाँ पर जो हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है इसके अंदर वो लगभग 2100 रुपये के आसपास का रहेगा। तो 2100 के आसपास का सपोर्ट ऊपर से स्टॉक टूट रहा है इस खबर की वजह से, और रेजिस्टेंस रहेगा अभी 2444 का। वैसे स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड भी हमें दिखाई दे रहा है, अभी देख सकते हो ऊपर से स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है और ऊपर में जो शेयर है 20% के भी प्लस जो अभी ऊपर से गिर चुके हैं। तो अभी के टाइम क्या एंट्री लेना सही है इसके अंदर, ऐसे भी कमेंट है 25% टूटा हुआ भाई, तो 25% गिरने के बाद क्या एंट्री लेना सही है। देखो भाई अभी इस माहौल में थोड़ा सा और दबाव आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा वेट करो। अगर ये शेयर 2000 के आसपास आए उस रेंज में अगर आता है तो वहाँ पर फ्रेश एंट्री के सही टाइम रहेंगे, लेकिन अभी के टाइम स्टॉक में और गिरावट की संभावना बनी हुई है। 25% टूट चुका है शेयर, तो 5-10% और जा सकता है नीचे में, और बाकी जो खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करेंगे। आज क्यों टूटे ये आपका डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा। अभी इसके अलावा कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।